हे गाइस, माय नेम इज हर्ष और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले फाइटर मूवी का टीज़र। सो गाइस, मैं काफ़ी लेट हूँ, आई नो, और काफ़ी सारे टीज़र मुझे और भी बनाने हैं, बट इन सब के बीच में ये फंस गया। जी हाँ, असाइनमेंट्स। सो उसकी वजह से मैं और दीदी फ्री नहीं थे, बट अभी मैं फ्री हूँ। सो लेट्स सी टुगेदर, बिकॉज आई एम रियली वेरी एक्साइटेड फॉर द रोल ऑफ अनिल कपूर, बिकॉज मैंने अभी एनिमल मूवी देखी है। सो आई एम रियली वेरी एक्साइटेड फॉर द रोल ऑफ अनिल कपूर, बिकॉज उनकी मुझे एक्टिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है और एनिमल मूवी में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है। और ऋतिक रोशन को मैंने वॉर मूवी के बाद तो काफ़ी टाइम से देखा नहीं है, दीपिका पादुकोण को देखते रहते, बट ऋतिक रोशन स्पेशल। सो लेट्स सी, ओके, 1 2 3 स्टार्ट। पेटीएम रॉकी। सो गाइस, इट वॉज जस्ट अ टीजर, अभी ट्रेलर आना बाकी है। सो मूवी तो 25th January 2024 को आ जाएगी। सो गाइस, इट इज़ फॉर श्योर गिविंग मी द टॉप गन वाइब्स। सो अगर आपको ये सुन के बहुत ज़्यादा बुरा लगा है, सो आई एम रियली वेरी सॉरी, बट आज का इंस्पिरेशन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज मार्केट इतना ज़्यादा सेचुरेटेड हो गया है कि हमें ना कहीं से तो इंस्पिरेशन लेनी ही पड़ती है। लाइक म्यूज़िक में सारी बीट्स कभी बहुत सारी बीट्स कॉपी हो जाती है, इसको हम कॉपी नहीं बोलेंगे, इंस्पायर्ड बीट बोलेंगे। वैसे ही ये एक इंस्पायर्ड मूवी है टॉप गन से, क्योंकि अभी तेजस भी आई थी, वो भी इंस्पायर्ड मुझे थोड़ी थोड़ी लगी, क्योंकि जो सीन्स होते हैं थोड़े थोड़े मुझे क्लिक हो जाते हैं। सो उस वजह से मैं बोल रहा हूँ, बाकी ये तो हमारे बॉलीवुड है, तो वो हमेशा वो मतलब उसमें तो कुछ गलत नहीं है कि इंस्पिरेशन लेना बुरी बात नहीं है, बट बॉलीवुड है तो ऑब्वियसली टॉप गन से तो हम ज़्यादा ही अच्छा काम करेंगे, बिकॉज टॉप गन मूवी अभी थोड़ी सी पुरानी हो गई और बॉलीवुड भी कैच कर ही रहा है। सो गाइज, इस मूवी में मुझे ना कोई भी VFX का ज़्यादा काम दिखा नहीं, क्योंकि जो अच्छे VFX होते हैं वो दिखते नहीं हैं। सो या तो सारी चीज़ें इसमें प्रैक्टिकली की गई है, सारे सेट बना के, या तो बहुत ज़्यादा अच्छा VFX है। बट मुझे इस मूवी का बजट नहीं पता, अगर बजट पता होता तो हम फिगर आउट करते, क्योंकि अगर इसका बजट बहुत ज़्यादा है तो सब कुछ प्रैक्टिकल ही हुआ होगा, सब कुछ रियलिस्टिक दिखाने के लिए। बट अगर बजट कम है तो उसको VFX से थोड़ा सा कॉम्पनसेट करना पड़ता है, बिकॉज इन कंपैरिजन टू प्रैक्टिकल सेट्स जो VFX होता है उसका थोड़ा सा बजट हल्का सा कम होता है। सो मुझे नहीं पता इस मूवी का बजट क्या है, अगर आपको पता है तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अनिल कपूर है जिस तो उसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बिकॉज अभी मैंने एनिमल मूवी में उनको देखा था, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा सही एक्टिंग लगी उनकी। सो उस वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि अनिल कपूर का इसमें क्या रोल होगा। एंड आई डोंट थिंक ये मूवी स्पाई यूनिवर्स से कहीं भी कनेक्टेड है, लाइक जवान, पठान, टाइगर 3 और इन सब से कनेक्टेड है, बिकॉज इसमें दीपिका पादुकोण है। दीपिका पादुकोण जवान में भी थी, पठान में भी थी, और हो सकता है कि कनेक्टेड हो, बिकॉज वाणी कपूर जो वॉर मूवी में थी वो शायद वो तो मर गई थी, तो ऋतिक रोशन इज सिंगल, सो हो सकता है दीपिका पादुकोण आए, बट आई डोंट थिंक दैट इट इज़ पॉसिबल कि ये मूवी कहीं से भी कनेक्टेड है, बिकॉज क्या है कि ये दोनों पायलट से, और पायलट की तो ट्रेनिंग होती है, सब कुछ होता है, उसके बाद सब होता है। सो अगर हम पुरानी मूवीज़ देखें लाइक वॉर, पठान, जवान, तो उसमें बहुत बिजी थे ये लोग वैसे भी, तो वो पायलट की ट्रेनिंग कहाँ ही लेंगे। सो आई डोंट थिंक कि मूवी इंटरकनेक्टेड है, बट अगर होगी तो आप मुझे बताना, फिल्म का बजट भी आप लोगों को मुझे बताना, और क्या आप लोग ऋतिक रोशन के लिए एक्साइटेड हो ये भी बताना, बिकॉज मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बिकॉज वॉर मूवी के बाद ऐसी बड़ी कोई सिल्वर स्क्रीन पे वो दिखे नहीं है। सो यही कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे लगे, मैंने आपको बताए। सो अगर आपको रिएक्शन अच्छा लगा है सो प्लीज़ बताना, और कोई सजेशन है वो भी बताना, और लाइक करना, वीडियो को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।